हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की जो क्लास है वो आपके सीजी टीचर की जो एग्ज़ाम आने वाली है सीजी टेट की, और जिसमें आपका अंग्रेजी व्याख्याता का है वो हम लोग पूरा कवर करेंगे। और चूंकि अभी वैकेंसी आपकी आने ही वाली है तो उसकी क्लासेस हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पूरा इंग्लिश जो है, जितना भी आपका इंग्लिश का कवर होता है वो सारा हम स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ आपका जो बाल विकास हुआ है ना, और आपका जो हिंदी हुआ, कंप्यूटर हुआ, मतलब पूरा जो आपका कोर्स होगा सीजी टेट का, वो आपको हम लोग लेयर थ्री पे कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। आज की जो ये क्लास है इसमें मैं आपको इंग्लिश के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि केवल जो टेंस होते हैं आपके, जो कि आपके सिलेबस के अंदर है, होगा तो नेक्स्ट टाइम हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, तो जो जो कि आपके सिलेबस में है उसमें टेंस है। और टेंस में जैसा कि आपको पता है 12 टेंस होते हैं, तो उसमें एक मात्र टेंस आपका, जिस टेंस का नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो उसके हम क्वेश्चन करेंगे 10, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में हमको समझना है, कैसे हमको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, उस चैप्टर के अंदर मान लीजिए कि आपको ये पता चल जाता है कि ये टेंस का क्वेश्चन है, तो उस टेंस के अंदर कितने टेंस होते हैं, 12 टेंस, उन 12 टेंस में से कौन से टेंस का क्वेश्चन है। तो ये चीज आपको इंग्लिश में अगर हो गई तो आपके इंग्लिश में नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। बस प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इंग्लिश में बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें जो 10 क्वेश्चन है, उस 10 क्वेश्चन में मैं आपको ये तरीका बता दूंगा कि कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चंस को पहचानें, ठीक है, ताकि आपको आगे जो है, हम लोग इसके बाद में हम एक रणनीति बनाएंगे और उसमें पूरा चैप्टर वाइज एक एक चीज आपका क्लियर करवाएंगे और सारे सब्जेक्ट आपके रहेंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास है इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग बात कर रहे हैं केवल एक टेंस के बारे में, जिस टेंस का नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इसके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पहचाने वो हम डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है, इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें तो इसमें एक आपका सब्जेक्ट देखा जाता है। सबसे खास बात, सब्जेक्ट क्योंकि आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। जो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इस सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल है, जैसे कि ही, जैसे कि शी, जैसे कि इट, और जैसे किसी का नाम, तो इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आपको लगाना पड़ेगा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। अभी आपको मैं इसके 10 क्वेश्चन कराऊंगा, आराम से आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, और आप चिंता मत करिए, पूरा सीजी का जो आपका एग्जाम है उसकी तैयारी हम लोग लेयर थ्री पर करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि हम सोच रहे थे कि जब वैकेंसी आ जाए तो बेहतरीन तरीके से शुरू करेंगे, और आज मैंने इसकी शुरुआत कर दी है। क्या काफी लोगों का मेरे पास मैसेज आया, फोन कॉल आया, क्योंकि लास्ट एग्जाम जो हुई थी उसकी हमने तैयारी करवाई थी और काफी लोगों का सिलेक्शन भी हुआ था। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, जैसे कि ही, शी, इट, किसी का नाम, तो उसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है आपको उसके साथ निश्चित रूप से एस एस एड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि राम। अब आपके पास अगर दो ऑप्शन है कि प्ले और प्लेस, इसमें से आप क्या लगाएंगे, तो राम सिंगुलर है तो आप प्लेस लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि दे हुआ, या फिर यू हुआ, या फिर वी हुआ, या फिर आई हुआ, आई भी प्लूरल में काउंट होता है इस टेंस के अंदर, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। बाकी जब हम पूरा टेंस पढ़ेंगे तो एक एक चीज क्लियर करेंगे, आई के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे दे अगर हुआ तो आपको केवल क्या लगाना है, प्ले लगाना है, ये बात का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ब ले लेता हूँ, राइट, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वर्ब ले ली, राइट। अब इस वर्ब को आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही तो मुझे लिखना पड़ेगा राइट्स, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ शी तो मुझे लिखना पड़ेगा राइट्स, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई तो मुझे लिखना पड़ेगा राइट, अगर मैं लिखता हूँ दे तो मुझे लिखना पड़ेगा राइट, अगर मैं लिखता हूँ वी तो मुझे लिखना पड़ेगा राइट। जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मैं एस नहीं लगाऊंगा, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मैं एस लगाऊंगा, अगर यहाँ लिखता लिखना पड़ता है राम तो मुझे लिखना पड़ेगा राइट्स। आई होप कि आपको ये इतनी सी बात समझ में आई होगी, ठीक है। टेंस पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, ये मैं केवल इसके क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे पता चले। इसका फॉर्मूला ये छोटा सा है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो एस आई एस लगाने का, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने का। चलिए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमको पता चले। क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, वो दो से तीन पैटर्न पे आते हैं। सबसे पहला पैटर्न जिसके आपके आप सिलेबस में देखिएगा, स्पॉटिंग एरर। कई सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि सर स्पॉटिंग एरर का अलग से चैप्टर होता है क्या, स्पॉटिंग एरर का अलग से चैप्टर नहीं होता है। इस प्रकार से जैसे कि आप भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम केवल प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं तो यहां से एरर बन सकता है, हम पास्ट सिंपल पढ़ेंगे वहां से एरर बनेगा,
फ्यूचर सिंपल पढ़ेंगे, वहां से एरर बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, एरर किसी भी कॉन्सेप्ट में से बन सकता है। आप वॉइस में जाएंगे, वहां से एरर बन जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर आप देखिए, लिखा है द सन राइसेस इन द ईस्ट, और उसने ये पूछा कि भैया इसमें एरर क्या है, ए बी सी डी, बराबर। चलिए देखते हैं, जरा चेक करते हैं। लिखा हुआ है द सन, सबसे पहले तो हमको ये कैसे पता चलेगा सर कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस वाला कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले तो आप एक चीज नोट करिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है द सन राइसेस, बिल्कुल करेक्ट है, इन द ईस्ट, एंड एंड के बाद लिखा हुआ है सेट। अब आप देखिए, ये जो एंड सेट है ये भी सन की ही वर्ब है, सन के साथ राइजेस, और इसी सन के साथ यहां पर क्या आ गया, सेट्स, मतलब दोनों सन की ही वर्ब है। तो अगर सन की वर्ब है और यहां राइजेस आ रहा है तो यहां भी मुझे सेट्स ही करना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई, सेट्स ही करना पड़ेगा। तो सर हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा प्रेजेंट सिंपल है? ये एक यूनिवर्स वाली चीज है, यूनिवर्सल फैक्ट बोलते हैं इसको। और एक अच्छी बात आपको बताता हूं, अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ गया आपका और उसमें केवल इतना लिखा हुआ है कि द सन या द मून या द स्टार ऐसा कुछ, तो ऐसे केस में आपका क्वेश्चन, आपका जो टेंस है वो बनेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि ये सारी यूनिवर्सल चीजें हैं। जैसे देखिए द सन आ गया, अब इसमें दूसरा टेंस नहीं आ सकता। आप बोल दो कि सर इज राइजिंग आ सकता है क्या? नहीं आएगा। द सन वाला क्वेश्चन आ गया, राइजेज आएगा। द अर्थ वाला आ गया तो सिंगुलर आएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि एस कब लगाना है, सिंगुलर है लगा दो, सेट इसी की वर्ब है लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेट्स आ जाएगा। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, द अर्थ राउंड द सन, जैसे एग्जाम में आया द अर्थ, तो मेरे दिमाग की बत्ती चली, मैंने कहा कि भैया ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जैसे ही मुझे याद आया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो मैंने क्या करा कि मैंने, मुझे फॉर्मूला याद आया कि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है द अर्थ, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगाना पड़ेगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा मूव्स, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, सर इसमें इज मूविंग भी आ सकता है क्या? क्योंकि अर्थ जो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ तो इज लगता है, फिर वर्ब में आईएनजी भी तो लगता है सर, नहीं आ सकता, यूनिवर्सल फैक्ट है, प्रेजेंट सिंपल में जाएगा, प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला आपको पता है, मूव्स आएगा, बात खत्म। तीसरा, द वुड ऑन द वॉटर, ये कहलाता है एक जनरल फैक्ट। क्या कहलाता है गाइस? जनरल फैक्ट। जनरल फैक्ट कैसे? देखो आप एग्जाम में ये मत सोचना कि हमारे वहां आएगा ता है, ती है, रहा है, चुका है, चुकी है, चिक्कू है, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है ना। वहां पे इंग्लिश टू इंग्लिश आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है वुड, और उधर लिखा है वाटर, लकड़ी पानी का रिलेशन क्या है, बीच में लिखा है फ्लोट, मतलब लकड़ी पानी पे तैरती है। यार ये तो सबको पता है, जो बात सबको पता है वो प्रेजेंट सिंपल में जाएगी, ठीक है। बच्चे भूखे होते हैं ना तो वो रोते हैं, हाँ सर पता है हमें, प्रेजेंट सिंपल में जाएगा, है ना। The children cry when they are hungry. तो ये cry क्यों लिखा मैंने? क्योंकि present simple हो जाएगा। यहाँ पे the wood on the water हर आदमी जानता है, हाँ सर जानता है। The wood floats on the water. The wood floats on the water. समझ में आया। अगला concept है an apple a day the doctor away. अरे यार मैं एक दिन में अगर ये apple खा लूँ तो doctor के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े। अच्छा दूसरी बात, मेरे एक और मेरे को थोड़ी hint मिल रही है हल्की हल्की कि सर एक बात बताओ, अगर जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आया यहाँ पे, जैसे कि द सन था यहाँ पे, जैसे कि द अर्थ था यहाँ पे, जैसे द वुड था यहाँ पे, जैसे एन एप्पल आ गया, मतलब कि सर जैसे किसी इंसान का नाम नहीं आया, जैसे राम श्याम या आई यू वी दे ही शी नहीं आया, तो क्या वो टेंस प्रेजेंट सिंपल में जाएगा? ऑलमोस्ट प्रेजेंट सिंपल में जाएगा, क्योंकि उसमें या तो कोई यूनिवर्सल फैक्ट होगा या कोई जनरल फैक्ट होगा। जैसे ये आप देखो, ये एक कहावत है, प्रोवर्ब। प्रोवर्ब क्या होती है? प्रोवर्ब मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी आपके एग्जाम में भी आती है। जैसे एक दिन में अगर एक एप्पल खा लो तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही पड़ती है, तो एन एप्पल अ डे द डॉक्टर अवे, तो क्या लिखेंगे बताइए? कीप्स द डॉक्टर अवे। प्रेजेंट सिंपल के क्वेश्चन देखते से ही समझ में आ जाते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन, ठीक है। तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, अगर एक दिन में एक एप्पल खा लो तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रैक्टिस अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस अ मैन परफेक्ट, ये क्या है सर? ये एक कहावत है, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोवर्ब, ठीक है। तो प्रैक्टिस अ मैन परफेक्ट, तो यहां आ जाएगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये देखिए, अगर आप
जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सर यहाँ पे इज मेकिंग नहीं आ सकता? जी नहीं, ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, ये भी एक कहावत थी, अगर एक एक दिन में एक एप्पल खा लो डॉक्टर पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे, ये भी एक कहावत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आप पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला वापस से आ गया कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स विद अ सिंगल स्टेप, अगर आपको हजारों करोड़ों किलोमीटर जाना है तो आपको पहले पहला कदम उठाना पड़ेगा, ये क्या है सर? ये भी एक कहावत है, ये भी एक प्रोवर्ब है, और अगर ये भी एक प्रोवर्ब है तो फिर वापस से, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद सिंगल स्टेप, बिगिंस आ जाएगा। बोलो क्या समझ में आया? ये रहा आपका, तो अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स, आपको हजारों किलो करोड़ों किलोमीटर जाना है तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? पहली स्टेप से, तो ये भी एक प्रोवर्ब है, और जर्नी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बिगिन में एस लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए सातवा, यूजुअली आई दिस प्लेस, अभी तक मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए विच इज रिलेटेड टू यूनिवर्सल फैक्ट्स, कुछ क्वेश्चन बताए विच इज रिलेटेड टू जनरल फैक्ट्स, कुछ क्वेश्चन बताए विच इज रिलेटेड टू प्रोवर्ब, और अब मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि किसी आदत से रिलेटेड है। आदत मतलब रोज का काम, आपकी कोई आदत है, जैसे आप किसी को कुछ भी कह देते हैं, किसी का मजाक उड़ा देते हैं, है ना, किसी के ऊपर हंस देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, लोग याद रखते हैं, शब्दों के तीर जीवन भर याद रखते हैं। याद करो, आपने किसी ने आपको किसी ने आज से 20 साल पहले कुछ बात कही होगी, आज भी याद है आपको, है ना, तो आदत होती है किसी किसी की, सुधारो। यूजुअली आई दिस प्लेस, अब इसमें आ गया आदत की बात, यूजुअली, अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज, यूजुअली, नेवर ऐसा कुछ आता है, जनरली, तो वो आदत को बताता है, और अगर आदत को बताता है तो प्रेजेंट सिंपल में जाता है, तो यूजुअली आई विजिट दिस प्लेस, यूजुअली आई विजिट दिस प्लेस। बोलो बात समझ में आई? तो ये इस प्रकार से, अगर कोई आदत, जैसे किसी ने बोला कि आप यहाँ कब आते हो, बोले मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ, यूजुअली, मैं तो रोज ही आता हूँ, मैं तो कभी नहीं आता हूँ। जैसे किसी ने बोला आप कब नहाते हो, बोले मैं तो रोज ही नहाता हूँ, आदत है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, मैं तो कभी नहाता हूँ भाई साहब, प्रेजेंट सिंपल टेंस, मैं सर कभी कभार नहा लेता हूँ, प्रेजेंट सिंपल, सब प्रेजेंट सिंपल। अच्छा विजिट क्यों लगाया सर आपने, आई प्लूरल है ना, तो विजिट लगता है। आप सोचोगे सर आई तो सिंगुलर होता है, मैंने क्या बोला, इस टेंस में आई को प्लूरल मानते हैं। आप किसी को अपने प्रेम का प्रस्ताव रखते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद करना चाहता हूँ, तो आप अंग्रेजी में बोलते हो आई लव यू, ऐसा क्यों नहीं बोल देते आई लव यू, नहीं बोलते ना, उसी प्रकार से आई विजिट। अगला है आई दिस प्लेस एवरी संडे, एवरी संडे आ गया, ओके वेरी नाइस, एवरी संडे अगर आ गया तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल कहाँ पे लगेगा, ये रहा देखो आई विजिट। आपको जो आपके सीजी की एग्जाम होने वाली है अंग्रेजी व्याख्याता की, है ना, और बाकी के भी जो सब्जेक्ट हैं, आपको सारे के वीडियो आपको मिलेंगे Layer 3 एजुकेशन के ऐप पर, ठीक है, वहाँ पे आपको सारे जो वीडियोस हैं इसके CGTET एग्ज़ाम के, वो वहाँ पे क्लासेस चल रही है, तो आप अभी Layer 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ पे सारे PDF, फ्री PDF भी मिलेंगे, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ना, तो वो सब मिलेंगे, तो Layer 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पूरी इंग्लिश के वीडियो सारे मिल जाएंगे, सारी क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएगी, है ना, और PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसमें आप जुड़ जाइएगा, जैसे ये क्लास आप खत्म करेंगे इसके बाद आपको इसी प्रकार के 5 क्वेश्चन और मिलेंगे, जो कि आपको वहाँ पे करना पड़ेंगे, वहाँ पे पोल आएंगे, आप पोल पे क्लिक करेंगे, आपको पता चलेगा राइट है कि रॉन्ग है, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप ले लीजिएगा। कोई अगर कुछ आपको जानकारी लेना है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, 9977651282। अगला क्वेश्चन है एक्शंस लाउडर देन वर्ड, आप तो जानते हैं कि अगर आप केवल बोलेंगे तो बोलने से कुछ नहीं होगा, एक्शंस काम करके दिखाना पड़ेगा, ये एक प्रोवर्ब है, ये एक कहावत है, और जितनी भी कहावतें होती हो जाती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, स्पीक आ जाएगा यहाँ पर, एक्शंस स्पीक। बोलो बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑल गुड थिंग्स टू द एंड कम कम स्कैम हैव कम, सबसे पहले मुझे समझ में आ गया ऑल गुड थिंग्स लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये भी एक प्रोवर्ब है कि अच्छी चीज़ें हमेशा लेट होती है। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन डोंट वरी, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, तो यहाँ आ जाएगा आपका कम। कम आने का क्या कारण है सर? कम्स भी तो आ सकता है, नहीं आएगा, कम ही आएगा, क्योंकि ऑल गुड थिंग्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसको देखते हुए यहाँ क्या आ जाएगा आपका, कम आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी,
पूरी इंग्लिश की तैयारी हम लोग आपको कराएंगे, डोंट वरी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके वीडियोस आते रहेंगे। बहुत जल्दी हम सारे सब्जेक्ट शुरू कर देंगे, इंग्लिश ऑलरेडी आपका चल रहा है, ठीक है। तो लेयर थ्री एजुकेशन ऐप पर आपको वीडियो भी मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी, और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।